बस सबके प्यार का ये नतीजा है कि मैं बैक टू बैक फिल्म्स करने जा रही हूँ और बहुत खुशी हो रही है इस बात की कि मतलब मैंने इतनी पाँच साल स्ट्रगल किया और इसके बाद आज उस मुकाम पर पहुँची हूँ। सो बहुत खुशी हो रही है और आकाश है इस फिल्म के हीरो जिसके साथ मैं फर्स्ट टाइम करने जा रही हूँ। वैसे हमने एक फिल्म की है थोड़ा जैसे नियार कहा, सो वो किसी और के अपोजिट थे, बट इनके साथ मैं फर्स्ट फिल्म करने जा रही हूँ। सो बहुत खुशी हो रही है उनके साथ काम करने में भी, और रानी जी के साथ मेरी सेकंड फिल्म है। मैंने उनके साथ फिल्म की थी पीवा बड़ा सतावेला और उसके बाद हम साथ में काम करने जा रहे हैं। सो हमें खुशी होगी कि आप हमें आशीर्वाद दें और बहुत सारा प्यार दें और ये फिल्म भी बहुत सुपर डुपर हिट हो। एंड बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत अच्छी स्टोरी है। सो काजल, बहुत कम समय में काजल राघवानी का सिक्का भोजपुरी इंडस्ट्री में चलने लगा है, क्या ऐसा रहा इसके पीछे, कैसे कर लेती हुए सब जी? बहुत कम समय नहीं, 5 साल लगे हैं लेकिन बहुत अच्छी अच्छी मैंने स्क्रिप्ट की है, बहुत अच्छी फिल्में की है, उसके बाद ये मुकाम पे आई हूँ मैं। तो इस अपॉर्चुनिटी को मैं जाने नहीं दूंगी और सबके नज़रों में जो मेरी छवि है वो हमेशा रहेगी। मैं कोशिश करूँगी कि बहुत अच्छी छवि रहे एंड हमेशा ऐसे ही मैं रहूँ और ऐसे ही तरीके से मैं काम करूँ और सबको एंटरटेन करूँ और सबकी खुशी के ऊपर मैं खरी उतरूँ खुशी के लिए। काजल, एक सवाल और बनता है चलते चलते, जैसे लोगों को पता चला है कि काजल राघवानी का सिक्का चलने लगा है जी। तो बहुत सारे लोगों ने मिल के एक ही साथ कहा है कि मेरे अंगने में काजल का क्या काम है। मेरे अंगने में काजल का क्या काम है, मतलब क्या होता है? मतलब अब जहाँ वो लोग साम्राज्य था उनका, एक छत्र साम्राज्य था, वहाँ पे काजल भी अपनी दस्तक दे दी है, क्या कहना चाहिए? जैसे कि मैं कंपटीशन में बिलीव करती नहीं हूँ और अपनी अपनी लाइफ होती है एंड मेरा स्ट्रगल अलग है, सबका स्ट्रगल अलग होता है। तो मैं किस तरह से अपना स्ट्रगल कर रही हूँ, कितना मैं मेहनत कर रही हूँ, कितने कितने सारी चीज़ें फेस करके मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। सो हम यही सोच सकते हैं कि रानी जी कितने, मतलब इतने सालों से, तो आज ये हमारी इंडस्ट्री की रानी है। सो मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि मैं भी इस इंडस्ट्री में इन्हीं की तरह मैं भी बहुत हाईलाइट हूँ एंड कोशिश कर रही हूँ। सो आज मुझे उसका फल मिला है, सो हैप्पी हो रही हूँ। भोजपुरी अखाड़े का जी नंबर वन पहलवान कौन है, काजल राघवानी या अमरपाली दुबे? अमरपाली दुबे अपने आप को मानती है नंबर वन पहलवान। ओके, सबकी नज़र में सब होते हैं एंड इस बात को मैं आपको क्या बोलूँ, एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है। मेरी नज़र में मैं सबसे बेस्ट हूँ, उनकी नज़र में वो सबसे बेस्ट होगी एंड वो है भी, बिकॉज उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी फिल्में दी है, हिट फिल्में दी है निरोवा जी के साथ। सो मैं भी मानती हूँ कि वो नंबर वन पे है। किसको टक्कर, अगर मुकाबले की बात करें तो किससे मुकाबला है आपका? मेरा किसी से मुकाबला नहीं है और और मैं कभी करूँगी भी नहीं। सो मेरा मुकाबला मुझसे खुद से है एंड मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि मैं अपने ऑडियंस को किस तरह से मैं उनको एंटरटेन कर सकूँ और आगे करती रहूँगी। सो बस मेरा मुकाबला इन्हीं से। अच्छा काजल, कितना बड़ा कंपटीशन, कितना बड़ा चैलेंज होने वाला है क्योंकि रानी चटर्जी आपके साथ में है, ऐसे में स्क्रीन पर अगर दो एक्ट्रेस एक साथ आते हैं तो कहते हैं कि चैलेंज बढ़ जाता है, तो आपके लिए कितना बड़ा चैलेंज है? चैलेंज की बात आई है, चैलेंज तो कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने पहली भी फिल्म की थी पीवा बड़ा सतावेला, सो उन्होंने बहुत कॉपरेट किया था और मेरी सेकेंड फिल्म थी वो, तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया था मुझे एंड मैं चाहूँगी कि इस फिल्म में भी वो मुझे बहुत सपोर्ट करे एंड उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखने भी मिलेगी मुझे। सो उम्मीद करती हूँ ये कोई चैलेंजिंग नहीं कहा जाएगा कि बहुत अच्छी फ्रेंड है मेरी एंड हम बहुत अच्छे से काम करेंगे साथ में। काजल, चलते चलते एक आखिरी सवाल, पाइपलाइन में कौन सी फिल्में हैं आपकी आने वाली, दर्शक बहुत जल्द कौन सी फिल्में देख पाएंगे? मेरी अभी फिल्में आने वाली है मेहंदी लगा के रखना, जो किसके साथ है? वो केसारी जी के साथ है। सो बहुत जल्द आएगी, छठ में आने वाली है, सो आप सब देखिए उसको। केसारी और आपकी केमिस्ट्री बहुत बहुत पर्दे पर लोगों को पसंद आ रही है, क्या कहना चाहेंगे उसके लिए? हम साथ में काम करते हैं, उसके पीछे कुछ राज राज कुछ नहीं है, हम बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हैं मेहंदी लगा के रखना से, क्योंकि उस फिल्म की स्टोरी इतनी अच्छी थी कि मतलब हमने एक दूसरे को जाना है और उसको फील किया है उस स्टोरी को एंड हम अगर स्टोरी ऐसे बैठना होता था तो हम पहले हम सारी चीज़ें करते थे कि किस तरह से करेंगे, क्या है क्या नहीं, हमने एक दूसरे को जाना उस फिल्म में। सो बहुत अच्छे फ्रेंड भी हैं मेरे
अभी बन चुके हैं, सो हम आगे भी कई फिल्में करने जा रहे हैं, तो आप सबको जरूर बताएंगे उसके बारे में। विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।